Savanayapi bahavir jonalavya sanantayo pi bahava yamna vidhu ashajya ashabhakta kusala ashalabda ashajya gyata kusalan sishta Savanayapi bahavir jonalavya sanantayo pi bahava yamna vidhu ashajya ashabhakta kusala ashalabda Ashchajya gatpya kusalan sishta Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Bhagupaha Paramahansa Jagat Guruji ne bataye Satya Vastu ka Vastavik Charcha karne jahe तो हम लोगों में बहुत आदमी ऐसा है वो ये अनवांटेड कोई जरूरी है नहीं ऐसा समझता है जो श्लोक देके शुरुआत किया था ये कठोपनिषद का श्लोक है यहां बताया गया ये अप्राकृत सत्य वस्तु आत्मतत्व विज्ञान ये श्रेय कथा सुनने का लक सुनने का आदमी मिलना बहुत मुश्किल है मिलता ही नहीं फिर भी अगर दो चार अगर मिले फिर भी ये बातें सुनकर उपलब्धि कर नहीं पाते दो चार आदमी अगर मिला के सुनने का इच्छा है लेकिन सुनने का बावजूद ये उपलब्धि नहीं कर पाते और श्रेय विषय का तत्वविद निपुण वक्ता और एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि श्रेय विषय का ये तत्वविद और निपुण वक्ता अतीब सुदुर्लभ मिलता ही नहीं और अगर बाई चांस मिल भी गया एक आध मिल भी गया ऐसा उपदेष्टा लेकिन ऐसा मापिक आचार्यों का ऐसा मापिक तत्वविद पुरुष का अनुगत करने वाले श्रोता ये तो और भी सुदुर्लभ बहुत बहुत सुदुर्लभ संभव नहीं प्रभुपाद बता रहे हैं सत्य वस्तु का वास्तविक चर्चा अगर होने जाए तो हम लोगों में बहुत आदमी ऐसा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सब चीज चर्चा होना कोई जरूरी है नहीं प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हमारा अटेंशन नहीं है मैं सिंसियर नहीं हूं मैं मतलबी हूं मैं मक्कार हूं मैं इंद्रियो तर्पण परायण इसका मतलब ये नहीं कि आचार्यों का सच्चा प्रवचन ये इसका रेलिवेंसी नहीं है ऐसा बोल नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभुपाद कह रहे हैं हम लोग तिनाद भी सुनी झोंके बहुत वृक्ष सेवी पेड़ पौधा वृक्ष सेवी ज्यादा सहनशील होकर ये अप्राकृत सत्य वस्तु का बारे में बोलते चलेंगे इसका श्रोता नहीं है बहुत कम है फिर भी हम बोलते चलेंगे
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं, ये जो जगत है, पहले भी कई बार कह चुके, ये अप्राकृत जगत का विकृत प्रतिफलन है। दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। अप्राकृत जगत का विकृत प्रतिफलन है, तो इसीलिए विकृत प्रतिफलित राज्यों का आंशिक स्वतंत्रता, ये जो विकृत प्रतिफलित परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, ये जो विकृत प्रतिफलित राज्यों का आंशिक स्वतंत्रता अधिकार, इससे अच्छा है कि अप्राकृत वास्तव सत्यों का प्रति संपूर्ण रूप से निर्भर करके रहे, क्योंकि ये संपूर्ण निर्भर करके अगर रहे ये स्वाधीनता का सर्वोत्तम मूर्ति, वास्तव सत्व का पोति संपूर्ण निर्भर होके रहे, यही है सिंटम, यही है स्वाधीनता का सर्वोत्तम मूर्ति। हम लोगों का काम है, गौरी मठ का जो डिवोटी भक्त है, हम लोगों का काम है ये अप्राकृत सत्व वस्तु का जो ये जो फ्लैग है, ये हम ऊंचा करके पकड़ेंगे। जिसका इच्छा है तो आओ, जिसका इच्छा है तो जाओ, क्या करें, कुछ करने का कुछ नहीं है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया है, ये श्रवणा योपि बहुवीर यौन लभ्य श्रृणंत योपि बहुवो यमन विदुहु आश्चर्य अश्व वक्ता कुशल अश्व लभ्या आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। ये देखिए शुरुआत किया, इसका कारण क्या है? कारण ये है, पिछले हफ्ता ब्रह्म संहिता का जो श्लोक हमने चर्चा किया था, अंगानि यस्सो सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये जो श्लोक किया था, ये ब्रह्मा जी के अनुभव में आए, भगवान का कृपा लाभ करने का बाद ये अनुभव में आए, भगवान का कृपा लाभ करने का बाद ये समझ में आए। अंग्यानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मयो सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमाम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैं वही आदि पुरुष गोविंद देव को भजन करता हूं, जिनके विग्रह आनंदमय है, चिन्मय सन्मय अर्थात सच्चित आनंदमय, सौ परम उज्जवल विग्रह है, सदुज्ज्वल विग्रह। यही विग्रहगत अंग सकल अर्थात भगवान गोविंद जी का जो अप्राकृत इंद्रियोग्राम है, ये
हर एक इंद्रियो, ये जो है ये हर एक इंद्रियो दूसरा कोई इंद्रियो का काम कर सकता है। प्रत्येक अंग सकल प्रत्येक ही समस्त इंद्रियो वृत्ति विशिष्ट हो, अर्थात एक एक सेंस ऑर्गन दूसरा सेंस ऑर्गन का भी क्षमता रखता है। एवं चिद अचित अनंत जगत समूह को नित्यकाल दर्शन पालन और कलन करते रहते हैं। अंगानी जस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मयो सदुज्जलोर विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भक्तिमंत ठाकुर कह रहे हैं ये जो श्लोक के ये जो श्लोक है ये श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी हम लोग का अंदर में जो संशय संदेह है अप्राकृत नित्य सत्व वस्तु का बारे में हमारा अंदर में जो संशय संदेह हर वक्त पैदा होते रहता है। इसका उत्तर देने के लिए ब्रह्मा जी ने इस श्लोक को अनुभव करके बताया। अज्ञानी जस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमाम। जिनके हर इंद्रियो मैं वो गोविंद नित्य सत्य वस्तु परम सत्य वस्तु गोविंद का भजन करता हूं, जिनके एक एक इंद्रियो दूसरा सभी इंद्रियों का क्षमता रखते हैं। सो ऐसे तो भगवान सच्चिद आनंदमय सदुज्जल विग्रहस्य ये सब है। तात्पर्य ये है जे चिद आस्वादन का अगर अभाव हो जाए, चिद आस्वादन का अभाव होने से जड़ ज्ञान में अबद्ध व्यक्ति को एक भीषण संशय उपस्थित होता है। बहुत सारे आदमी समाज का ज्यादातर आदमी ऐसा ही है जो कृष्ण लीला वर्णन सुनने का बाद कृष्ण लीला वर्णन सुनने का बाद ये लोग सोचते हैं जे जड़ जगत का जो भाव है ये भाव ही थोड़ा इमेजिनेशन कल्पना शक्ति के द्वारा पंडित लोगों ने कृष्ण तत्व का कल्पना किया है, ये लोग का यही विचार है। यही अनर्थजनक संशय यही अनर्थकारक संशय यही अनर्थकारक संशय यही अनर्थकारक संशय छेदन करने के लिए ब्रह्मा जी इस श्लोक और इसके बाद जो श्लोक और तीन श्लोकों में
तीन श्लोकों में, इसका बाद भी और तीन श्लोक है, ये तीन श्लोकों में चिद अचित जड़ जगत न प्रकृत जगत का पार्थिवो माने ये जगत में जो जड़ो जड़ जगत का जो विषय है ये चित और अचित, अचित माने जड़ जगत, ये दो चीज अलग है, ये तात्विक रूप में पृथक करके शुद्ध समाधि प्राप्त कृष्ण लीला समझाने के लिए हम लोगों को समझाने के लिए प्रयत्न किया, हम लोगों को समझाने के लिए प्रयत्न किया। ये श्लोक और उसका बाद भी तीन श्लोक और आए और श्लोक आने वाला है बाकी आगे चलकर, ये इसके द्वारा ब्रह्मा जी चित और अचित ये जड़ और अप्राकृत पदार्थों द्वय को, ये दोनों विषय को तात्विक रूप में पृथक करके शुद्ध समाधि प्राप्त कृष्ण लीला, शुद्ध समाधि प्राप्त कृष्ण लीला हम लोगों को समझाने के लिए चेष्टा किया। ब्रह्मा का जो आश्रय है, ब्रह्मा का भी तो आश्रय है, ब्रह्मा का जो आशय है, ब्रह्मा का जो आशय है ये क्या है, ब्रह्मा जी क्या कहना चाहता है, ब्रह्मा जी का आशय यही है जे कृष्ण विग्रह सच्चिद आनंदमय। ब्रह्मा जी का आशय, ब्रह्मा जी का इनर भाव, अंतर्निहित भाव, ब्रह्मा जी का आशय, अंतर का भाव ये है जो कृष्ण विग्रह सच्चिद आनंदमय और माइक समस्त प्रतीति जरोतममयी। ब्रह्मा का कहने का मतलब है, आशय है ये कहना चाहा कि कृष्ण विग्रह सच्चिदानंदमय और इस जगत का माइक समस्त प्रतीति जड़ोतममयी, ये दोनों का बीच में विशेष विलक्षण रहने से भी एतद वचित एवं अचित ये उभय विषय में चित एवं अचित तदुभय का विशेषगत विलक्षण रहने से भी मूल तत्व यही है कि चित व्यापार चिद विषय ही मूल पदार्थ, विशेष और विचित्रता इनमें विराजमान है। जो अद्वय ज्ञान तत्व है, जो सच्चिदानंदमय भगवान है, इन ब्रह्मा का कहने का आशय क्या है ना, कृष्ण विग्रह सच्चिदानंदमय और माइक समस्त प्रतीति ही जड़ोतममयी, तदुभय विशेष विलक्षण रहने से भी ये दोनों का बीच में विशेष, ये दोनों का विषय का ऊपर विशेष विलक्षण विशेष लक्षण रहने से भी मूल तत्व यही है कि चिद विषय ही मूल पदार्थ, चिद विषय ही मूल पदार्थ, विशेष और विचित्रता इनमें विराजमान है। विशेष और विचित्रता स्पेशलिटी एंड डाइवर्सिटी इनमें स्वाभाविक रूप में स्वतः विराजमान है, नित्य वर्तमान, जिनके द्वारा
कृष्ण का चिन्मय धाम, चिन्मय रूप, चिन्मय नाम, गुण लीला सब सुप्रतिष्ठित है। शुद्ध चिद बुद्धि विशिष्ट, शुद्ध चिद बुद्धि, शुद्ध चिद बुद्धि विशिष्ट ओ माया संबंध रहित, शुद्ध चिद बुद्धि, शुद्ध चिद बुद्धि विशिष्ट, शुद्ध चिद बुद्धि विशिष्ट और माया संबंध रहित जनों का लिए ही ये लीला आस्वादन करना संभव है, बाकी आदमी नहीं समझ सकेगा, बाकी आदमी समझ नहीं सकेगा। चित धाम चित शक्ति प्रकाशितो, चित धाम चित शक्ति प्रकाशितो, चिंतामणि गठितो लीलापीठ भगवान का और श्री कृष्ण विग्रह समस्त चिन्मय है, सारे के सारे चिन्मय है। चित शक्ति का जो छाया रूपा माया शक्ति जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में भला गए फूला गया, आगे चलकर आएगा सृष्टि स्थिति पुलय साधन शक्ति जी का छाये व जस्व भुवन विवर्ति दुर्गा इच्छानुपम उपी चेष्टते सा, इच्छानुपम उपी जस्व चेष्टते सा गोविंद आदि पुरुषम तभाम भजान। चित धाम चित शक्ति प्रकाशितो, चिंतामणि गठितो, लीलापीठ आदि विराजमान एवं कृष्ण विग्रह तमाम चीजें चिन्मय है। चित शक्ति के छाया, चित शक्ति के छाया रूपा जो माया शक्ति माया गठितो विचित्रता अतदनुरूप चित वैचित्र का हेय प्रतिफलन व छाया, ये हमने पहले ही बताया। सो चित्तत्व का विचित्रता, सौ चित्तत्व का विचित्रता सादृश्यी, सौ चित्तत्व का विचित्रता का सादृश्य ही माइक जगत में लक्षित लक्षित होता है अर्थात देखा जाता है। जड़ो उभय विचित्रता, दोनों का जो विचित्रता का प्रसंग है, दोनों का ये विचित्रता का जो विशेष प्रसंग है, उभय विचार में सादृश्य रहने से भी ये लोग परस्पर विलक्षण है। जड़ जगत का हेयत्व ही जड़ का दोष, जड़ जगत का जो हेयत्व है, जड़ जगत का जो हेयत्व है, जड़ जगत का हेयत्व ही जड़ का दोष। हेयत्व माने जैसे हेयत्व किसको बोलता है, जैसे गन्ना लिया, गन्ना का जुका जैसे गन्ना ले लिया, गन्ना का जूस निकाल दिया मशीन में पीस कर, उसके बाद जो चीज फेंकना पड़ेगा उसका नाम है वो जो निर्जास निकालने का बाद जो रहेगा उसको फेंकना पड़ेगा, इसका लिए हेय अंश, इसको कहता है कि हेय अंश। सो चित्तत्व का विचित्रता का सादृश्य ही माइक जगत में लोग माइक जगत में देखा जाता है। ये जो जड़ वस्तु का जो हेयत्व है, जड़ जगत का जो हेयत्व है, जड़ का हेयत्व ही जड़ का दोष है। जड़ का जो हेयत्व है, ये हेयत्व ही जड़ का
दोष है, किंतु किंतु चित्त तत्व में वही दोष सुनना विचित्रता विराजमान है। जड़ का हेयत तो जड़ का दोष है, ये मेन व्याधि मूल, किंतु चित्त तत्व में, किंतु चित्त तत्व में सही दोष सुनना वैचित्रता है। जड़ का हेयत्व तो, जड़ जगत का आज हेयत्व तो है, फेंकने वाला चीज है, जड़ जगत का हेयत्व तो ही जड़ जगत का दोष, किंतु चित्त तत्व में वही दोष सुनना विचित्र दोष, चित्त तत्व में वही दोष सुनना विचित्रता विराजमान है। कृष्ण का आत्मा और शरीर अलग नहीं होता है, कृष्ण का आत्मा और शरीर अलग नहीं है। बद्ध जीवों का शरीर अलग है, मन अलग है और आत्मा अलग है। आई बात समझ में? कृष्ण का आत्मा शरीर एक ही है, अलग नहीं है। जड़बद्ध जीवों का देहो एवं आत्मा पृथक पृथक, जड़बद्ध जीवों का शरीर और आत्मा पृथक पृथक विराजमान है। चित स्वरूप में देहो देही अंगो अंगी धर्म धर्मी भेद नहीं। चित स्वरूप में, चित अवस्था में, चित प्लेटफॉर्म में देहो देही का कोई भेद नहीं है, अंगो अंगी का कोई भेद नहीं है, धर्म धर्मी का कोई भेद नहीं है, किंतु जड़बद्ध जीवों का अंदर में ये सारे डिफेक्ट्स विराजमान हैं। कृष्ण ओंगी, कृष्ण कोई अंश नहीं है, ओंगी कृष्ण ओंगी, कृष्ण अंश नहीं है। जैसे कृष्ण स्वयं अवतारी, अवतार नहीं है। श कृष्ण ओंगी होने से भी इनके प्रत्येक ऑर्गन अंग पूर्ण कृष्ण, ये समझ में आया नहीं आया? कृष्णों को ओंगी माना जाए फिर भी कृष्ण ओंगी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन कृष्णों का एक एक अंगों का एक एक अंश हिस्सा सारे पूर्ण कृष्ण है। आप समझा नहीं? कृष्णो ओंगी होने से भी इनके प्रत्येक अंगों पूर्ण कृष्णो, अर्थात वो उपनिषद का बारे में जो पहले बताया था, पूर्णात् पूर्ण महादायो पूर्णमेव अवशिष्यते। कृष्ण का एक एक अंग प्रत्यंग परिपूर्ण कृष्ण है। समस्त चित वृत्ति इनमें, अर्थात भगवान में समस्त चित वृत्ति इनमें, समस्त चित वृत्ति इनके समस्त अंगों में विराजमान है। सो ये कृष्ण है अखंड अपूर्ण चित्तत्व। जीवात्मा और कृष्ण दोनों ही चित स्वरूप है। जीवात्मा और कृष्ण ये दोनों ही चित स्वरूप है। सो क्वालिटेटिवली एक ही जैसा है, किंतु इन दोनों में भेद क्या है,
इन दोनों में भेद यही है कि समस्त चिद्गुण समूह, समस्त चिद्गुण, समस्त चिद्गुण समूह जीवात्म स्वरूपे अनुरूपे, जीवात्म स्वरूपे जीवात्म स्वरूपे अनुरूप में विराजमान है। क्या बताए, जीवात्मा और कृष्ण दोनों ही चित स्वरूप है, सो क्वालिटेटिवली एक ही प्रकार का है, लेकिन ये दोनों में भेद ऐसा ही है कि वही समस्त चिद गुण समूह जीवात्मा स्वरूप में अनुरूप में विराजमान है एवं कृष्ण में विभूति रूप में विराजमान है। कृष्ण के विभूति रूप में ऐश्वर्य समग्र बीज जसो श्रियो ज्ञान वैराग्य जैवोश सन्यांग इति भव इंगना। सो जीव जीवात्मा स्वरूपे अनुरूपे विद्यमान और कृष्ण में विभू रूपे विराजमान, विभू रूपे विराजमान समस्त जीव शुद्ध चित स्वरूप प्राप्त होने से जीव जब भजन करते करते, जीव जब भजन करते करते शुद्ध चित स्वरूप प्राप्त होने से वही प्रकार का गुणगण इनमें अनुरूप में प्रकाश पाना संभव है। कृष्णो कृपा के द्वारा ग्रेजुअली, कृष्णो कृपा के द्वारा, कृष्णो कृपा क्रमे चित लादिनी, हमने भक्ति किसको बोला, लादिनी स्वामितो संविस्सार, कृष्ण कृपा लेकर चिद लादिनीर बल आविर्भूत होने से जीवों में भी, जीवों का अंदर में भी अनंत साम्य सिद्धि है, अर्थात अनंत देव का चरण में इनके स्थान मिलने से तो अनंत साम्य सिद्धि है, माने साम्य मतलब इक्वल, लेकिन भगवान का साथ तो इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर भी कृष्ण कृपा पाकर चिदालादिनी का बल आविर्भूत होने से जीवों का भी अनंत साम्य सिद्ध है, अर्थात ये लोग अनंत देव के चरण में पहुंचता है। फिर भी कोई कोई विशेष गुण के द्वारा, तथापि कोई कोई विशेष गुण के लिए कृष्ण ही सर्वपाश्य होता है, कृष्ण इज द ओनली ऑब्सर्वेबल ऑब्जेक्ट होता है। कृष्ण कृपा के द्वारा परिपुष्ट होने से चिदालादिनीर बल आविर्भूत होने से जीवों का अनंत साम्य सिद्ध होता है, अर्थात वो भी अनंत माना जाता है, अर्थात बलराम जी नित्यानंद और अनंत देव का चरण में जो साम्य है वो सिद्धि होता है। फिर भी कोई कोई विशेष गुण के लिए कृष्ण ही सर्वपाश्य माना जाता है। इसी विशेष चतुष्टय परब्रह्म अधिपति अथवा पुरुषावतार में प्रकटित होता नहीं,
सही विशेष चतुष्टय जो गुणावली जिसके लिए कृष्ण इतना प्यारा है सबको के सामने है, तो ये परब्रह्म अधिपति वा पुरुष पुरुषावतार में प्रकट होता है। यही विशेष गुण चतुष्टय परब्रह्माधिपति व पुरुषावतार में प्रकटित तो है ना, केवल कृष्ण में। गिरिशादि देवगणों में भी नहीं है, गिरीश आदि ब्रह्मा गिरीश वरुण जो भी है गिरीश आदि देवताओं में भी ये नहीं है, लेकिन कितना कष्ट झेलने पड़े चिंता करो। जीवों का बात तो बहुत दूर की बात है, जीवों का बात तो मैं उठाना ही नहीं चाहूं, क्या उठाऊं बताओ। ये जो अज्ञानी जोशो सकलेन्द्रिय वित्तमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मयो सदुज्ज्वल विग्रह सुगोविंद आदिपुरुषं तो माम भजामि, ये जो श्लोक है इसमें खुल्ला में खुल्ला बताया गया। और जे भगवान का जो श्रीअंग है सचित आनंदमय आ तमाम इंद्रियोग्राम जो है, ये तमाम इंद्रियोग्राम है, ये तमाम इंद्रियोग्रामों में एक एक इंद्रियों का अंदर में दूसरा सारे इंद्रियों का काम क्षमता विराजमान है, जो कि असंभव माना जाता है जगत में, लेकिन ये संभव है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय रसो सदुज्ज्वल विग्रहस्य आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल रस सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम् आदि पुरुषं प्रमाम भाई आइबा समय। नहीं, अगर ऐसा चर्चा नहीं होता तो हम लोग को समझ में नहीं आता होगा, नहीं आता समझ में। सो इस श्लोकों के द्वारा खुलासा किया गया, ये श्लोकों के द्वारा खुलासा किया गया कृष्ण का धाम चिन्मय है, धाम चिन्मय, रूप चिन्मय, नाम गुण और लीला सारे चिन्मय है, भगवान का सारे चिन्मय। कोई जड़ों का कोई हिसाब किताब बिल्कुल नहीं है, शुद्धोचित वस्तु विशिष्ट ओ माया संबंध रहित, शुद्धोचित बुद्धि विशिष्ट ओ माया संबंध रहित कोई अगर आदमी है, इनके लिए ही लीला आस्वादन संभव है, बाकी किसी के लिए नहीं है। चिद्धाम चित शक्ति प्रकाशितो चिंतामणि गठितो लीलापीठ एवं कृष्ण विग्रह समस्त ही चिन्मय है। चित शक्ति के छाया रूप जैसे माया शक्ति माया गठितो विचित्र तद्भुत तद्रूप विचित्रता का हेय प्रतिबलन छाया सारे हमने बताया, तो कृष्ण कृपा लेकर
तो कृष्ण कृपा लेकर चिद लादिनी का बल आविर्भूत होने से जीव अनंत साम्य सिद्धि है। साम्य मतलब एक जैसा, लेकिन एक जैसा बोलने से एक तो संभव नहीं है, फिर भी एक जैसा मतलब अचिंत भेदाभेद शक्ति के द्वारा ये निर्णय किया जाएगा। तो जीवों का ये जो कृष्ण कृपा धीरे धीरे प्राप्त करके, कृष्ण कृपा धीरे धीरे प्राप्त करके चिद लादिनी का बल जब हृदय में आविर्भूत होता है, तो जीवों का वो जीव जो भजन करते करते आगे चल रहा था, ये जीवों का भी अनंत साम्य सिद्धि है। साम्य बोलते क्वालिटेटिवली सेम है, साम्य बोलने से अपना कोई माइक संबंध रखना नहीं चाहता है, साम्य बोलने से कृष्ण चरण में उपस्थित हो जाता है, उपस्थित होने से भेद नहीं रहता है, फिर भी भेद रहता है, इसका नाम साम्य। जैसे एक उदाहरण दिया जाए, गंगा का पानी चिन्मय है, गंगा का पानी तो चिन्मय है, गंगा का पानी से बहुत दिन पहले उठाया था थोड़ा पानी, छोटा सा पात्र में, पंच पात्र में, ये जो छोटा सा पानी अगर हम गंगा पानी में फेंक दे तो गंगा पानी के साथ एकाकार हो जाता है, साम्य प्राप्त हो, इसको अलग कुछ नहीं बोलेगा लोग, गंगा ही बोलेगा। इसी मुताबिक साम्यता सिद्ध होता है। तथा फिर भी कोई 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 विशेष गुण के लिए कृष्ण ही सर्वोपास्य माना जाता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, ये जो विशेष गुणावली लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, ये जो है ये कृष्ण छोड़कर, ये कृष्ण छोड़कर किसी का अंदर में नहीं है इतना। इसीलिए कोई कोई विशेष गुण, चमत्कार गुण के लिए कृष्ण ही सर्वोपास्य माना जाता है, सर्वपोरी उपास्य। ये जो विशेष गुण चतुष्ट है, ये परब्रह्म अधिपति नारायण या तो कोई पुरुष अवतार, ये लोगों में भी नहीं मिलता है। और गिरीश आदि देवता का बात क्या कहे, इसको तो कहने ही क्या है, गिरीश आदि देवताओं में भी नहीं है। जीवों का तो दूर की बात है, जीवों का बात तो बहुत फीका, क्या बताए, ये तो कहने का लायक ही नहीं है, कहने का लायक नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने ये जो अज्ञानी जस्व सकलेन्द्रिय वित्त मंत्री, ये जो अज्ञानी जस्व सकलेन्द्रिय वित्त मंत्री पश्यन्ति पन्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदोज्जल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमाम वदामि, ब्रह्मा जी ने जो श्लोक को अनुभव से प्रकट किया, ये श्लोकों के द्वारा अप्राकृत जगत जो विशेष है इसका बारे में खुलासा किया गया। प्राकृत और अप्राकृत एक जैसा लगता है कि लेकिन एक नहीं है बिल्कुल। इसके बाद 33 नंबर श्लोक में ब्रह्म संहिता का बताया गया, अद्वैतम अच्युतम मनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनं च
वेदेश वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषोत्तम महाभजन। बड़ा विशेष है, वेदों का अगम्य है। यद्यपि भगवान बोला है वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, किसी महापुरुष का अनुगत्य में अगर रहे तो वेद अल्टीमेटली हमको ही दिखा देता है। वेदों का मकसद है, वेदों का कर्तव्य है, मकसद है कि हमको दिखा देना, देख ये। सो वेदों का जिसका बारे में हमारा रूप गोस्वामी पाद जी भी लिखा है, कृष्ण देव भवंतम वंदे हरिदेव भवंतम वंदे यद्यपि समाधिषु वीरपि पश्यति न तव न खगमरीचिम् इदमीच्छामि निशम्मतवाच्युत तदपि कृपाद्भुतविहिचिम् देव भवंतम वंदे। ये बताया वेदों का अगम है। बहुत सारे बड़े बड़े पंडित व्यक्ति वेदों का ऋचा अध्ययन करता है, पाठ करता है, लेकिन भगवान बहुत दूर की बात, भगवान बहुत दूर की बात। वेदों का अगम्य किंतु शुद्ध आत्मभक्ति के द्वारा लभ्य अर्थात लाभ किया जा सकता है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराशम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदों को अनुसंधान करते करते पागल हो जाओ फिर भी भगवान मिलना बहुत कठिन है। वेदों का अगम्य है किंतु शुद्ध आत्मभक्ति के द्वारा ही लाभ किया जा सकता है। वही आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ, क्योंकि ये भगवान जो है एक तो है वो अद्वैत तो है, अद्वैत तो माने ड्यूअल कंसेप्शन नहीं है, एक ही है। अद्वय माने द्वय नहीं है, ड्यूअल कंसेप्शन नहीं है। भगवान अद्वैत तो है, भगवान अच्युत तो है, भगवान अनादि है, भगवान अनंत रूप है, आद्य है, पुराण पुरुष, आद्य माने सबसे पुराण, पुराण पुरुष होके भी हर वक्त नवजौवन संपन्न श्यामल सुंदर, श्याम सुंदर होता है, हर वक्त नवजौवन नवजौवन संपन्न सुंदर पुरुष, श्याम सुंदर पुरुष। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवन च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वय बोलने से पहले ही हम बताया, ये अद्वय ज्ञान तत्व जिसका बारे में पहले ही बताया भागवत जी महापुराण से, वदन्ति तत्तत्त्वमिदं सत्यं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। सो अद्वय बोलने से अद्वय ज्ञान तत्व अखंड तत्व, ये खंड विखंड नहीं हो सकता, फिर भी इनमें अनंत वैचित्र विराजमान है। एक आश्चर्य की बात है, ये कैसे हो सकता। अद्वैत अर्थ अद्वय ज्ञान तत्व अखंड तत्व, अनंत ब्रह्म प्रभारूप बहिर्किरण होने से भी अद्वैत अर्थात अद्वय ज्ञान अखंड तत्व
अनंतो ब्रह्मो अनंतो ब्रह्मो प्रभा रूप में विनिर्गत होने से भी एवं अंश रूप में परमात्म रूप ईश्वर उसी भगवान से आने से भी ये अखंडो तत्व रह जाता है। ये कैसे? पहले वाला सुख में बताया ना ईशोपनिषद का पूर्ण सपूर्ण महादायो पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण का यही डेफिनेशन है, पूर्ण से पूर्ण निकाला जाए तो पूर्ण अवशेष रहता है। ये इसी जड़ बुद्धि लेकर समाज में आना संभव नहीं है। अंश रूप में और प्रभा रूप में अनंत ब्रह्म, प्रभा रूप में अनंत ब्रह्म प्रभा रूप में विनिर्गत होने से भी अंश रूप में परमात्म रूप ईश्वर इन्हीं से आने से भी अखंड रहता है, अच्युत अर्थात सांग स्वरूप में कोटि कोटि अवतार सांग स्वरूप में कोटि कोटि अवतार सांग स्वरूप में करोड़ों करोड़ों अवतार यही एक ही भगवान से अद्वैत ज्ञान तत्व जो विग्रह है सदुज्जल विग्रह निकालने से भी एवं समझा नहीं समझा। ये जो अद्वैत ज्ञान तत्व है ये अद्वैत ज्ञान तत्व का ये जो अद्वैत अनंत अद्वैत ज्ञान तत्व अखंड तत्व ये अनंत ब्रह्म प्रभा मन आलक के रूप में ब्रह्म का ज्योति निकालने से भी अंश रूप में परमात्मा ईश्वर इन्हीं से आने से भी ये तत्व अखंड ही रह जाता है। अच्युत अर्थात सांग रूप में करोड़ों करोड़ों अवतार आदि अनंत ब्रह्मांड में निकालने से भी एवं विभिन्न अंश रूप में अनंत कोटि जीव इन्हीं में से निश्रित होने से भी ये भगवान परम पूर्ण रहता है। सिर्फ पूर्ण नहीं परम एब्सोल्यूट पूर्ण रह जाता है। ये भगवान का विशेष ये है कि जन्मादि लीला प्रकट करने का बावजूद ये भगवान को अनादि माना जाता है। यद्यपि जन्मादि जो लेता है कोई प्राणी कोई जीव तो इसको अनादि कैसे बोला जाएगा, लेकिन भगवान के लिए ये नहीं। जन्मादि जन्मो आदि ये जो लीला प्रकट करने से भी भगवान का अनादि भाव अनादि जो भगवान विराजमान इसमें कोई दोष नहीं लगता। जन्मादि लीला प्रकट करने का बावजूद ये अनादि रहता है। प्रकट लीला अप्रकट करके करने का बाद भी प्रकट लीला अप्रकट करने का बाद भी ये अनंत रहता है। अनादि होने से भी भगवान इच्छा करके प्रकट लीला आविष्कार करता है आद्यजन आदि विशिष्ट अर्थात वस्तुतः सनातन पुरुष होने का बावजूद ये नित्यो नवो यौवनाढ्यो अर्थात हर वक्त देखने से एक 16 साल का लड़का जैसा ही लगता है, नौजवान बहुत सुंदर। मूल तात्पर्य क्या है? इतना सब कहने का तात्पर्य ये है, इतना सब विषय बताने का तात्पर्य ये है कि भगवान में बहुविध विरुद्ध गुणावली।
अभी हमने बोला है भगवान अनादि अनंत, फिर बोला जन्मों कर्मादि भगवान का है, ये तो अलग सा लगता है, हैं? भगवान अनंत रूपी फिर भी एक मनुष्य रूप धारण करके बच्चा का माँ भी निकालता है, हमारा पास में प्रकट होता है। ये जो विरुद्ध गुणावली, विरुद्ध गुणावली है ना, ये विरुद्ध गुणावली एकमात्र परिपूर्ण रूपी जो भगवान गोविंद है, भगवान भगवत तत्व है, इसी में कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज परस्पर विरोधी गुणावली सामंजस्य हार्मोनाइज होता है। मूल तात्पर्य क्या है कि भगवान बहुविध विरुद्ध गुण संयुक्त होने का बावजूद वही गुणोचय सर्वत्र अचिंत शक्ति के द्वारा एडजस्टेड ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट हो जाता है। इसी का नाम है चित धर्मो अर्थात जरो विशेष, जरो विलक्षण धर्म विशेष। इनके सुंदर मुरलीधर श्याम त्रिभंग मूर्ति हर वक्त नवजौवनंच नवजौवन संपन्न एवं माया का अंदर में जो देश काल व्यवधान है, माया का अंतर्गत जो काल का विभाव है, जो काल और देश व्यवधान है, एलो का ह्योत और जो अप्राकृत जगत का जो हमने बताया, ये ह्योत्व का अतीत, ऐसा कोई कुछ है नहीं जिसका अंदर में कोई दोष निकलता है जिसको फेंका जाएगा। अतः हेयोत्तर अतीत, अतः हेयोत्तो वर्जितो, हेयोत्तो वर्जितो, हेयो माने खराब, खराब कुछ नहीं, सब एब्सोल्यूट है। सो श्याम सुंदर मुरलीधर श्याम त्रिभंग मूर्ति हर वक्त नवजौवन संपन्नो 16 साल का लड़का जैसा, एवं माया के अंदर में जो देश काल का व्यवधान है, गैपिंग है, जो मैल है, मैल, लेकिन अपराकृत जगत का देश काल और जो कुछ भी है वो मैल मैल रहित हेयत्व वर्जित, भूत भविष्यत सुन्नो केवल शुद्ध नित्य वर्तमान काली चिद्धाम में विराजमान है। हमारा इस जगत में 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 डायमेंशन है, और हमारा आंखें हमारा इंद्रियों जो है ये 3 डायमेंशन का अंदर में एडाप्टेड हो गया। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते 3 डायमेंशन का ऊपर भी कुछ 4th डायमेंशन 5th डायमेंशन हो सकता है, ये हम लोग सोच नहीं सकता, कैसे सोचे, हम लोगों का कोई एक्सपीरियंस है नहीं। सो इस जगत का देश काल का गैपिंग है, माया का गैपिंग, इस देश काल का व्यवधान है, लेकिन उस जगत का हेयत्व वर्जितो, भूत और भविष्यत सुन्नो, अप्राकृत जगत का जो शुद्ध नित्य वर्तमान काल है, यही बड़ा आश्चर्य विषय है, कैसे हो सकता, भूत और भविष्यत शून्य शुद्ध वर्तमान काल ही चिद्धाम में विराजमान है। अपराकृत जगत में धर्म धर्मी भेद, धर्म धर्मी का भेद या तो जरोदस में परिच्छेद परिच्छेद अपरिच्छेद, ये सब कुछ हुआ नहीं है। सो
जो सब धर्मों जड़ जगत में माइक देश काल के द्वारा व्यवच्छिन्न बुद्धि में विरुद्ध बोल के बोध होता है, माइक जगत में देश काल के द्वारा कालावच्छिन्न बुद्धि में विरुद्ध बोल के हम लोग को बोध होता है, लेकिन अप्राकृत जगत का जो काल है अविरुद्ध भाव में चित जगत में उपादेय उपाधियों माने उपाधियों माने टेस्टफुल अच्छा बड़ा ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट होकर विराजमान है। अविरुद्ध भाव में चित जगत में उपाधियों रूप में वर्तमान है। इसी प्रकार अभूतपूर्व सत्ता जीव की कैसे अनुभव करे, इसी प्रकार अभूतपूर्व सत्या जीव कैसे अनुभव कर सकता है। जो अनुभव का अंदर में नहीं है जीव ये सोच भी नहीं सकता। जीवों का माइक ज्ञान वृत्ति भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इत्यंग में प्रकृति रस्वता, ये प्राकृत जगत का है। बुद्धि इंटेलेक्ट मन सब कुछ ज्ञान है जड़ जगत का, जो जीवों का है सब सब जड़ है माइक है। जीवों का माइक ज्ञान वृत्ति हर हालत में देश काल आदि दोष के द्वारा दूषित होकर माइक भाव परित्याग करने में असमर्थ है। आई बात जीवों का जो माइक ज्ञान वृत्ति है हर वक्त देश काल आदि दोष में दूषित होकर माइक भाव को परित्याग करने में असमर्थ है। अगर ज्ञान वृत्ति यदि चित उपलब्धि नहीं करता है, अगर हमारा ज्ञान वृत्ति यदि चित उपलब्धि करने में समर्थ नहीं है तो फिर कौन वृत्ति से शुद्ध चित विषय का अनुभव करते हैं। ज्ञान वृत्ति अगर चित उपलब्धि नहीं करने में समर्थ नहीं है, ज्ञान वृत्ति अगर चित उपलब्धि में समर्थ नहीं है तो फिर कौन वृत्ति यही शुद्ध चित विशेष का अनुभव करने में समर्थ है, कौन है? इसका उत्तर में ब्रह्मा जी ने बताया चित व्यापार वेदों का अगम्य है। वेदों का फाइनल इंडिकेशन किसनो का हो, वेदोश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, लेकिन फिर भी ये भी है भागवत में वेदोश्च ईश्वर आत्मत्वात् तत्रो मुह्यन्ति सुरः। वेद में गीता में जैसे भगवान बताया वेदोश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सर्वो वेदों का अल्टीमेट वस्तु मैं हूं, लेकिन इसका साथ भागवत में और भी लिखा है वेदोश्च ईश्वर आत्मत्वात् तत्रो मुह्यन्ति सुरः। वेद अपौरुषीय वस्तु वेद साक्षात, इसीलिए सो वेद साक्षात रूप में ब्रह्मा कहते हैं चित व्यापार चित जगत का जो आनंदमय विलास है लीला है ब्रह्मा जी ने बताया चित व्यापार वेदों का अगम्य है। वेद शब्द मूलक है परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, ये चार प्रकार का परा सूक्ष्म रूप में रहता है, पश्यन्ति मध्यमा
वैखरी मतलब हमारा जो शब्द रूप में निकाल, बहुत सारे ये सब तत्व है इसमें अंदर में। पाणिनी बताया है, फिर पतंजलि ऋषि बताया, बहुत सारे कैसे कैसे शब्दों हमारा अंदर में इसका अर्थ बैठता है, कैसे कैसे शब्दों के द्वारा हमारा अंदर में अर्थ बैठा है। किसी शब्दों उच्चारण करने से एक ही बार शब्दों उच्चारण करने के लिए जो एक एक करके सिलेबल हैं, जैसे गरम गौरम, तो पाणिनि का ये बड़ा विज्ञान भित्तिक विचार है कि महाराज जब कोई गरम बोले तो गरम उच्चारण गौरम, गौ उच्चारण के जो गौ चला गया वैनिस, रो उच्चारण के जो रो चला गया उचित में, मौ चला गया, तो एक साथ अर्थ कहते कैसे बैठता है, इसका एक मिस्ट्री है, रहस्य है। सो वेद शब्द मूलक है, शब्द प्रकृति मूलक व्याकरण में है, व्याकरण में आता है ना प्रकृति और मूल जो है सब रूट है। सो शब्दो प्रकृति मूलक, सो वेद साक्षात रूप में, वेद साक्षात रूप में अप्राकृत गोलोक दिखाने में समर्थ नहीं है। वेद जब चित शक्ति भावित तो होता है, वेद जब चित शक्ति भावित तो होता है, वेद जब चित शक्ति भावित तो होता है, तब इस विषय में क्या परिमाण में बोल सकता है। वेद जब चित शक्ति विभावित तो होता है तब इस विषय में कुछ बोल सकता है, किंतु जीव मात्र ये चित शक्ति कलादिनी सार समेत संबित शक्ति का प्रभाव के द्वारा गोलोक का स्फूर्ति पा सकता है। क्या बताया, देखो वेद जब चित शक्ति विभावित तो होता है तब इस विषय में ये अप्राकृत जगत का विषय में कियत समथिंग कैन स्पीक, कियत परिमाण बोल सकता, किंतु जीव मात्र जीवों का ऐसा क्वालिटी है जो जीव मात्र ही वही चित शक्ति का लादिनी शक्ति का सार समेत सम्भिक शक्ति का प्रभाव के द्वारा जहां जीव में भक्ति वृत्ति रूप में उदित तो होता है, जीवों का अंदर में भक्ति नहीं है, भक्ति उदित होता है, पॉसिबिलिटी है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्तो, ऐसा कभी नहीं बताया, जीवो का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, स्वरूप तो भगवान का सेवा करना ही इसका उचित है, लेकिन नहीं कर रहा, जीवे स्वरूप होता है कृष्ण के नित्य दास, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य भक्तो, ऐसा नहीं बताया। तो फिर ये जीवों का अंदर में ऐसे एक आश्चर्य जो ये जो ततस्थ शक्ति जीव है, ये जो ततस्थ शक्ति जीव है इसका अंदर में एक चमत्कारिता है, ततस्थ शक्ति अगर गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा इसका अंदर में भगवान का स्वरूप शक्ति का वृत्ति का उन्मेष हो जाए, अर्थात भक्ति देवी का कृपा हो जाए, जिस भक्ति का बारे में एक्सप्लेनेशन है भगवान का लादिनी शक्ति संबित शक्ति का साथ, भगवान का लादिनी शक्ति का साथ
संवित शक्ति का सार है, ये भक्ति का डेफिनेशन। तो जीव मात्र कोई भी जीव इसी चित शक्ति का लादिनी सार समवेतो, लादिनी सार समवेतो संवित शक्ति का प्रभाव के द्वारा, अर्थात जहां जीवों का अंदर में भक्ति वृत्ति का रूप में उदित होता है, यही भक्ति वृत्ति के द्वारा गोलोक का स्फूर्ति पा सकता है जीव। सो जीव मात्र इसी चित शक्ति का लादिनी सार समवेतो संबिक शक्ति का प्रभाव में, अर्थात जीवों का अंदर में जे जो चीज भक्ति वृत्ति रूप में उदित होता है, ये भक्ति के द्वारा गोलोक का स्फूर्ति प्राप्त करना कोई असंभव नहीं है। क्योंकि भक्ति का लादिनी वृत्ति असीम है, भक्ति का लादिनी वृत्ति असीम है, और ये शुद्ध चिद ज्ञानमयी, सो ये शुद्ध चिद ज्ञानमयी यही ज्ञान भक्ति का साथ एकात्म भाव, अर्थात यही ज्ञान भक्ति का साथ एकात्म भाव जब प्राप्त होता है, अर्थात अपना अलग सा ज्ञानत्व का परिचय, मैं ज्ञानी हूँ, अर्थात अपना जो पृथक ज्ञानत्व का जो एक परिचय नहीं देते हुए, केवल भक्ति का परिचय में परिचित होकर गोलोक तत्व का आविष्कार करने में संभव है। अर्थात सीधा बात यह है, जो ज्ञान जब ज्ञान और भक्ति में फर्क नहीं देखा जाता है, और घुमा के बोले जब ज्ञान मेरा परिपक्व ज्ञान हो जाता है, कच्चा ज्ञान नहीं है, आई बात समझ में, जब ज्ञान का पक्का अवस्था हो जाता है, अर्थात उस समय ज्ञान और भक्ति में फर्क नहीं है, आई बात समझ में, जब ज्ञान परिपक्व अवस्था में उन्नीत होता है तो ज्ञान और भक्ति में कोई फर्क नहीं। इसी अवस्था में यही ज्ञान भक्ति का साथ एकात्मता प्राप्त होकर अपना अलग सा परिचय नहीं देते हुए, केवल भक्ति का परिचय में अपना संतुष्ट रह के गोलोक तत्व का आविष्कार कर सकता है, आई बात समझ में। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो हर जीवों का अंदर में ये पॉसिबिलिटी रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी रह सकता है कि क्योंकि जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में बताया बहुत सुंदर, जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में बताया, जीव गोस्वामी संदर्भ में बताया जे न जाने आश्चर्य भगवान के प्रभाव है, जे प्रति संदर्भ में 65 अनुच्छेद में जीव गोस्वामी पाद लिखा है, तस्या लादिन्या एव कापी सर्वानंद्याति शायिनी वृत्तिर नित्यम भक्तबिंदेशु निक्षिप्यमाना भगवत प्रत्याख्याया वर्तते, अतः तदनुभवेन श्री भगवानोपि भगवत भक्तेषु प्रीति अतिशयम् भजत इति, अतएव तत्सुखेन भक्तो भगवतः परस्परम आवेशम आहो। क्या बताया, तस्यालादिन्या एव कापि सर्वानंदातिशायिनी वृत्तिर्नित्यम्
भक्तो वृंदेशु एव निक्षिप्यमाना भगवत प्रत्यक्षया वर्तते अतः तदनुभवेन श्री भगवान उपी श्रीमद् भक्तेषु प्रीति अतिशयं भजतो इति अतएव तत्सुखेन भक्तो भगवतो परस्परम आवेशमाह। अर्थात यही जो लादिनी वृत्ति भगवान का जो ये जो लादिनी वृत्ति है जिसका बारे में चैतन्य चैतामित में लिखा गया लादिनीर दारे कौरे कृष्णो भक्तेर पोषण, भक्तों का जो आनंद देता है पोषण करता है लादिनी शक्ति के द्वारा। चैतन्य चैतामित में बताया गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है लादिनीर दारे करे कृष्णो भक्तेर पोषण। आई बात समझ। सो सीधा बात यह है ये जो इतना संस्कृत है लिखा है तस्या लादिन्ना एव कापी सर्वानंदातिशायिनी वृत्तिर नित्यम भक्तबिंदीषु निक्षिप्यमाना भगवत प्रत्यक्षया वर्तते अतः तदनु भावेन भगवान उपी श्रीमद् भक्तेषु प्रीति अतिशयं भजतो इति अतएव तत्सुखेन भक्तो भगवतो परस्परम आवेशम आहो। इसका माने क्या है? इसका माने यह है लादिनी जो शक्ति है ये लादिनी का ही कोई एक विशेष आश्चर्य, यही एक जो भगवान का लादिनी है यही लादिनी का ही कोई एक विशेष सर्वानंदातिशायिनी वृत्ति नित्य काल भक्तगणों का ओर भगवान फेंकते रहते हैं निक्षिप्यमान होके। ये भगवत प्रीति नाम में भगवत प्रीति नाम लेकर नित्यकाल भक्तों का है नाम लेकर वर्तमान है। अतः इनके अनुभव के द्वारा भगवान भक्तगण को भी प्रीति अतिशय भागी भक्तगणों का भी भक्तगण भी प्रीति अतिशय का भागी बन सकता है। अर्थात सिर्फ भगवान नहीं भक्तों भी ये आस्वादन करता है। अतएव उक्त सुख हेतु भक्तों और भगवान का आपस में आनंद उपस्थित होता है, एक आनंद में आपस में हिलमिल होता है। जीवों से बात का वो जो श्लोक हमने बताया इसका वर्णन से व्याख्या से इनर मीनिंग से ये पता चलता है कि भगवान इनके लादिनी नामनी शक्ति का कोई एक सर्वानंदातिशायिनी वृत्ति को भक्तों वृंदों में नित्यकाल निक्षेप करते रहते हैं अनादिकाल से। इस प्रसंग में विचार विषय ये है कि जिनके हृदय में लादिनी का आविर्भाव हो गया है ये तो भक्त मधुवाच्य है, ये तो भक्त हो गया। ऐसा मापिक भक्तों के हृदय में फिर से ऊपर से लादिनी शक्ति का वृत्ति निक्षेप करने का कोई युक्ति है क्या? ये क्या है, इसका माने क्या है? अतएव भक्त वृंदेश निक्षिप्यमाना ये उक्ति का तात्पर्य क्या है? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि भक्त लोगों का अंदर में तो भक्ति है ही है फिर निक्षेप करके क्या फायदा है। ये उक्ति का तात्पर्य ये हो सकता है कि भगवान अपने लादिनी शक्ति का वृत्ति को सर्व जीवों के हृदय में फेंक रहा है, सर्व जीवों के हृदय में फेंक रहा है, सर्व जीवों का हृदय में फेंक रहा है। किंतु जीव हृदय
किंतु जीव हृदय रजोस्तम गुण में परिपूर्ण रहने के कारण लादिनी शक्ति इनमें प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो रही है, समर्थ नहीं हो रहा है। इसीलिए भगवान श्री भगवान लादिनी शक्ति का दूत, इसीलिए भगवान अपना लादिनी शक्ति का दूत मैसेंजर भक्तगणों को इस जगत में भेज दिया है। इसलिए साधुसंग सर्वस्वस्थ कहे लवनाप्त साधुसंग सर्वस्थ कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु इत्यादि श्लोक। तो इसीलिए भगवान अपना श्री लादिनी शक्ति का जो मैसेंजर है अतः भक्तगणों को इस जगत में भेज देता है और इन भक्तों के द्वारा शास्त्र प्रवचन या कीर्तन सुनाकर बद्ध जीवों को भगवान का प्रति जो आकर्षण पैदा होता है। अर्थात ये शास्त्रों का उपदेश सुनाकर ये भक्त लोग भगवान का जो दूत है भक्तों ये भगवान का कथा शास्त्रों का वाणी हरि कथा कीर्तन सुनाकर जीवों को भगवान का प्रतीक उन्मुख करने का प्रयास प्रचेष्टा करते रहते हैं। भगवत विमुख जीव मातृ कर्माधिकारी, भगवत विमुख जीव मातृ कर्माधिकारी भक्ति अधिकारी नहीं, पॉसिबिलिटी है अंदर में हो सकता है कभी। तो एलो का अंदर में जद्रिच्छा क्रमे जद्रिच्छा की व्याख्या भी मैंने कर दिया। परम स्वतंत्र भगवत भक्त जिसका कोई कहाँ कब क्या करे कोई इसके कृपा के द्वारा सौभाग्य जो उदित इसका परम स्वतंत्र। तो ये जो जीवों का अंदर में जिंगलों का जद्रिच्छा क्रमे ऐरो महत भक्तगण का संसर्ग हो जाता है, एरो के हृदय में भक्ति उन्मुख संस्कार का सृष्टि होता है। यही संस्कार के द्वारा ये लोग का भगवत कथा में श्रद्धा पैदा होता है। इस संस्कार के द्वारा भगवत कथा में श्रद्धा जातो होता है। उद्धव का प्रति भगवान श्री कृष्ण का भी यही बात है, प्रवचन यही है। क्या है? जद्रिच्छया मत कथा दो जातो शब्दस्तु जो अपमानो न निर्विन्नो नाति शक्तो भक्ति योग अश्व सिद्धि दो। क्या बताया? जद्रिच्छया मत कथा दो जातो शब्दस्तु जो अपमानो न निर्विन्नो नाति शक्तो भक्ति योग अश्व सिद्धि दो। ये बताया तो ध्यान दे इस बात पर। इसीलिए ब्रह्मा जी का इस श्लोक का अंदर में बहुत गहरा विचार है, काल हम बताएंगे कैसे मेटेरियल जगत का जो टाइम स्पेस मैटर अप्राकृत जगत में कामयाबी नहीं हासिल कर सकता है, टाइम क्या है, इसका माने क्या है, अप्राकृत जगत में अप्राकृत समय है, ये सब क्या है, इस बारे में हम काल इस विषय में चर्चा करेंगे। आज यहां तक विचार करके देखे जो वेद जिस रूप में वेद आधारित है अभी जो है इस अवस्था में अप्राकृत गोलोक धाम को दिखा नहीं सकता, लेकिन वेद जब चित शक्ति विभावित तो होता है, तब कुछ परिमाण में अप्राकृत जगत का इंडिकेशन दे सकता है, तब कियत परिमाण में बोल सकता है। किंतु जीवों का अंदर में जीवों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल
structure. जीवों का अंदर में जीव मात्री चित शक्ति का लादिनी सार समवेतो संबित शक्ति का प्रभाव अर्थात जीवों का अंदर में जो चीज भक्ति वृत्ति रूप में उदित होता है इनके द्वारा गोलोक का स्फूर्ति हो सकता है जीवों का अंदर में। जीव जो व्याख्या हमने किया जीवों को स्वयं पद कर लादिनी शक्ति आदि अर्थात शुद्ध गुरु वैष्णव का परिपूर्ण कृपा लेकर अगर आगे बढ़े भक्ति वृत्ति का पूर्ण विकास होने का बाद हैं जो रसिक भक्तों का साथ इसका संबंध हो गया जिन रसिक भक्तों का पास से कृपा मिला परिपूर्ण रूप से ये भक्ति वृत्ति क्या है नहीं ये भक्ति का लादिनी शक्ति वृत्ति असीम है शुद्ध चित ज्ञान मही यही ज्ञान भक्ति का साथ एकात्मता यही ज्ञान भक्ति के साथ एकात्म भाव में अर्थात अपना अलग सा परिचय नहीं देते हुए केवल भक्ति का परिचय में परिचित होकर अगर रहे तो गोलोक तत्व को आविष्कार कर सकता है इसका पहले बिल्कुल नहीं है। सो आज ये दो श्लोक का चर्चा हुआ एक है ये सब अप्राकृत और प्राकृत जगत का बारे में प्राकृत और अप्राकृत जगत का बारे में दुनिया कुछ नहीं समझ सकता है प्राकृत और अप्राकृत जगत में जो गलत फहमी है ये गलत फहमी को काटने के लिए ब्रह्मा जी ये जो श्लोक अज्ञानी जस्सु सकलेन्द्रिय वित्तमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि अद्वैतम अच्युतम अनादि मनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनंच वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो श्लोक और भी दो श्लोक है आगे चल के ये तमाम चार श्लोक ब्रह्मा जी प्राकृत जगत का साथ अप्राकृत जगत का जो विशेष है पार्थक्य है इसका बारे में समझाया और आज एक कंक्लूजन आ गया जब तक आदमी का अंदर में प्राकृत विचार विराजमान रहता है तब तक अप्राकृत जगत का बारे में कुछ जानकारी मिलना संभव नहीं होता। और एक बात है कि ये भगवान को जानने के लिए भक्ति एकमात्र आश्रय है एकमात्र भक्ति आश्रय है और कुछ नहीं भक्ति के द्वारा ही भगवान का चरण कमल प्राप्त हो सकता है भक्ति के द्वारा ही भगवान का चरण कमल प्राप्त हो सकता है और किसी भी हालत से किसी भी तरीका से संभव नहीं है। काल हम इस विषय में चर्चा करेंगे अप्राकृत समय काल पात्रों ये सब समझने का कोशिश करेंगे उसके बाद आगे चलकर आगे वाला श्लोक भी है ये भी प्राकृत और अप्राकृत जगत का जो विशेष है इस बारे में ब्रह्मा जी ने व्याख्या करने का कोशिश किया और कुछ नहीं आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे क्षमा करें और ये माया देवी पीछे पड़ गया पिछले दो महीना से इंटरनेट का इतना समस्या है ये माया देवी पीछे पड़ गया किसी भी हालत से करने नहीं देंगे ये सत्कर्म भक्ति जो भी है क्या करे श्रवणायापि बहुवीर जौन लभ्य श्रृणंत योपि बहवो यम न विदुहु
आश्चर्य अश्चो भक्ता कुशल अश्वलब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।